जान है राधा का मुहूर्त जो है, इसके डायरेक्टर समीत तिवारी जी हैं और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार हैं और इस समय गोलू जी का एक अलग वो है, बढ़िया है। गोलू जी के बारे में क्या कहना चाहें, निरहुआ रिक्शा वाला के बाद गोलू अब एज ए हीरो एक बड़ा ब्लास्ट करने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, गोलू जी के साथ मैं छोटी फिल्म, मतलब बहुत छोटे थे गोलू जी तब मैं उनके साथ काम किया था, एक फिल्म थी नचनिया 2005 में, लेकिन अभी मैंने दिलवाले उनके साथ काम किया। गोलू में वो चीज़ जो दिख रही है वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आने वाले समय के लोग बहुत बड़े स्टार हैं सब। जैसे कि पहला पार्ट तो बन जाने के बाद जब वो हिट हो जाती है तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, शायद इस चैलेंज पे हमारे समीत तिवारी जी बहुत खरे उतरेंगे और उम्मीद है कि पार्ट टू जो है बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। आपका किरदार क्या होगा इसमें? इसमें मेरा एक किरदार है साइको टाइप का, जो बहुत अलग टाइप का कैरेक्टर है और समीत जी चाहते हैं वो कैरेक्टर मैं करूँ और इसलिए लहू के दो रंग मूवी में, लहू के दो रंग मूवी फर्स्ट मेरी मूवी थी पहली, और उसमें जो हसुआ का कैरेक्टर था, मैंने हंसुआ हंसेला तो मुंडी कटेला बहुत फेमस कैरेक्टर था और बहुत हिट डायलॉग था वो। उसके बाद एक फिल्म और आई थी जिसमें था हंसुआ हंसेला तो मुंडी कटेला, मुंडी कट जाती भी है, वही लहू के दो रंग, लहू के दो रंग में ही हंसुआ हंसेला मुंडी कटेला, उसके बाद आई थी लहू पुकारेला। मेरी काफ़ी फिल्में अजय जी विलेन खेसारी लाल जी के साथ में आई हैं और पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और ख़ास करके संजय सिंह राजपूत जी को, जो कि इनकी फैक्ट्री में मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूं अजय, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि बस भगवान करें ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ें। और मैं दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी इस टाइम पे भोजपुरी फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, पूरा पारिवारिक सिनेमा बन रहा है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इनके साथ नहीं देख सकते, भाई के साथ नहीं देख सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है खुलकर बाहर आएँ और मूवी का आनंद लें, अब कोई इसमें बुराई नहीं है भोजपुरी मूवी में, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है ये हो रहा है, सब अच्छे अच्छे डायरेक्टर आ रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। ओके थैंक यू।